हाय, दिस इज़ गणेश, यू आर वॉचिंग स्टेट टॉक्स। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सुशांत गोल सिटी अंसल में, और यहाँ पे हम देखेंगे एक प्लॉट का प्रोजेक्ट जो कि नाम है ओकास इनक्लेव। ये सिचुएटेड है सुशांत गोल सिटी अंसल सेक्टर आई, नियर मेदांता हॉस्पिटल और अवध विहार के पास पड़ता है नियर, और लुलू मॉल से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये। आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं अबाउट द प्रोजेक्ट बता दूँ। पारडोस लखनऊ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। इनका ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि आपका फ्लैट का प्रोजेक्ट था दोस्तों, ओकास एजेंसी, जिसमें 2 टावर्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं, बाकी के टावर्स पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो एक सेगमेंट और इनका प्लॉट का है, और एक था स्टेलर ओकास, वो आपने देखा हुआ था। तो ये प्रोजेक्ट है सेक्टर आई में। मैं सबसे पहले आपको रूट दिखाता हूँ, फिर बाकी की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ये आपका, मैं मिड में खड़ा हूँ, इससे हम एक तरह से मिड कहेंगे। इस प्रोजेक्ट के दो तरफ रोडें जाती हैं, तो ये मिड एरिया है। ये आगे जो रोड जा रहा है, ये 30 मीटर की रोड है, जूम करके दिखा रहा हूँ। इस 30 मीटर पे दो एंट्रेंस रहेंगे, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये आपकी 45 मीटर की रोड है। सामने वो टाउनशिप है, वो आपकी टाउनशिप है दोस्तों, ओकास इनक्लेव। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये पहला एंट्रेंस है आपका। तो ये 30 मीटर पे एंट्रेंस है, दो एंट्रेंस रहेंगे जैसा मैंने आपको बताया था। सामने जो आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, जो डिफरेंट कलर्स के हैं, ये अवध विहार पड़ता है, आवास विकास में आता है ये अवध विहार में, जहाँ पर अवध विहार अवध शिल ग्राम पे वो लोकेशन है। इधर जो अपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं, ये अंसल में आते हैं, और ये हैं आपके तुलसानी सिर्विटी मीडोज, ये अपार्टमेंट्स हैं। सामने ये 30 मीटर की रोड है, मैंने इंट्रो में आपको दिखाया था, दो तरफ रोड दिखाए थे, 45 मीटर उस तरफ रहेगा। ये सेटबैक है टाउनशिप का, ओकास इनक्लेव का सेटबैक है ये ग्रीन एरिया। और सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे एक गेट दिख रहा है, सेकेंड एंट्रेंस है, आपको दिखाऊंगा चल के मैं। तो चलते हैं टाउनशिप के अंदर, और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं टाउनशिप के अंदर हूँ, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा, हो सकता है इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज़ क्लियर ना आए, बट कोशिश करूँगा पूरी आवाज़ आपको आए। तो अभी हम चल रहे हैं, ये प्लॉट का एरिया है, ये बड़े साइज़ के प्लॉट्स हैं। मैं आपको बताऊँगा कि साइज़ के प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको सेंट्रल पार्क की तरफ, फिर सेंटर में आपको सही चीज़ें ब्रीफ करता हूँ। ये यहाँ पे, ये आपकी 7.5 मीटर की रोड है, यहाँ पे आपका सीवर वर्क हो रखा है, ये सीवर वर्क हो रखा है, बगल में आपका अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का वर्क हो रखा है। सामने जो पाइप्स देख रहे हैं, ये आपके वाटर पाइप्स हैं, पानी के पाइप्स हैं। ये सेंट्रल पार्क है, वहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, और ये आगे जाता है वहाँ तक जहाँ बिजली के पैनल लगे। तो काफ़ी लंबा है सेंट्रल पार्क, है काफ़ी लंबा है, बड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोल्स भी लग चुके हैं लाइट्स के, और ये सेंट्रल पार्क डेवलप किया जा रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है सेंट्रल पार्क का। तो मैं मिड में आ चुका हूँ, और आपको मैं समझाता हूँ किस तरफ क्या क्या चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे ये ओपन एयर एम्पी थिएटर भी बन रहा है सामने। तो दोस्तों, आप उधर देखें तो वहाँ पे एक एंट्रेंस रहेगा 45 मीटर की रोड पर, उधर कुछ प्लॉट्स रहेंगे, और कुछ प्लॉट्स आपके उस तरफ रहेंगे, और सामने आपकी ये 30 मीटर की रोड है जहाँ से हमने एंट्री की थी, वहाँ पर एक गेट रहेगा। तो दो गेट उस तरफ हो जाएंगे, यहाँ पर अगर हम प्लॉट साइज़ की बात करें तो 1211 1377 कुछ आपके 1700 के आसपास की प्लॉट साइज़ रहेंगे, और कुछ आपके 2000 के प्लॉट रहेंगे दोस्तों। अगर हम रोड की बात करें, टाउनशिप के अंदर की जो रोड है वो 9 मीटर की रोड रहेंगी चारों तरफ की, और जो पार्क के अगल और बगल में रोड रहेंगे, अगल बगल में,
वो 7.5 मीटर यानी कि 25 फीट की, और चारों तरफ 9 मीटर यानी 30 फीट की रोड रहेंगी दोस्तों। अब यहाँ बात करें क्या क्या एमिनिटीज़ कंपनी की तरफ से रहेंगी, तो यहाँ पे कंपनी आपको सेंट्रल पार्क देगी, कॉमर्शियल एरिया यहाँ पे रहेगा बच्चों के लिए, किड्स प्ले एरिया, चिल्ड्रन पार्क एरिया, आउटडोर जिम, ओपन एयर एम्पी थिएटर, बैडमिंटन कोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी दोस्तों। हर्फ गार्डन यहाँ से डेवलप किया जाएगा, देखिए यहाँ पर पाथवे बनाया जा रहा है, हर्फ गार्डन रहेगा, तो कई तरह के एमिनिटीज़ यहाँ से कंपनी की तरफ से दी जाएंगी आपको। तो ये LDA अप्रूव्ड रेरा में रजिस्टर्ड और नेशनलाइज बैंकों में अप्रूव रहेगा, कुछ अप्रूवल्स आ गए हैं बैंकों के, कुछ अप्रूवल्स आने हैं, तो आप यहाँ पे लोन भी अवेल कर सकते हैं ईजिली। तो इस तरह सेंट्रल पार्क का ये एरिया है, इस तरह आके बड़े साइज़ के प्लॉट्स हैं, आप देख सकते हैं अभी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, वर्किंग चल रही है पूरी, यहाँ पर लगी हुई है टीम, कंस्ट्रक्शन टीम। तो ये लुलू मॉल के नियरेस्ट में है, मेदांता के नियरेस्ट में है दोस्तों। सामने आपके ये 1200 एरिया के प्लॉट्स हैं, तो प्लॉट के डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, लगभग 114 प्लॉट्स हैं यहाँ पर। इसमें कि आपको 1211 से लेकर 2000 के आसपास के प्लॉट मिल जाते हैं। हाय फ्रेंड, जैसे कि आपने टाउनशिप को देखा, तो हम बात करते हैं कुछ चीज़ों पर, जैसे कि प्राइस पे सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पे, प्राइस को लेकर जो आपका रहता है यहाँ पे, जो प्रेजेंट टाइम पे प्राइस चल रहा है दोस्तों 5555 रुपये, मोटा मोटा मान लें 5600 रुपये, तो 5555 रेट है। जो कॉस्टिंग आती है 77 लाख अप्रॉक्स कॉस्टिंग आती है यहाँ पर, ऊपर नीचे हो सकता है प्लॉट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अलग अलग रेट हैं, हर प्लॉट के अलग रेट हो जाते हैं, जैसे कोई ईस्ट फेसिंग है, कोई पार्क की तरफ फेसिंग है, कॉर्नर फेसिंग है, तो उसके एक पर्टिकुलर अलग अलग रेट्स हैं, ये मोटा मोटा रेट मैंने आपको बताया। कई लोगों की क्वेरी रहती है कि बहुत ज़्यादा रेट है, तो ये हमें भी सुनना पड़ेगा कि डेवलपर ने जो प्लॉट लिया था वो अंसल से परचेज़ किया है, तो उसकी कॉस्ट अलग ही कॉस्ट होती है, ज़्यादा महंगी पड़ती है, अगर डायरेक्ट किसानों से एक्वायर की करती हो सकता थोड़ा कम रहता। दूसरा, बिल्डर ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद, लाइक सीवर, अंडरग्राउंड वायरिंग, आपके तार, पाइप, पोल्स, ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे लॉन्चिंग की है, तो इसलिए यहाँ पे रेट ज़्यादा है। और जो कि हमें भी सुनना पड़ेगा कि प्लॉट की लिमिटेशंस हैं, इसलिए प्लॉट्स के राइट हमेशा हाई रहेंगे कंपेयर टू अदर थिंग्स लाइक फ्लैट। फ्लैट का ही रेट अभी अंसल में चल रहा है 5000 से 6000 का दोस्तों, ऋषिता मलबरी हाइट्स में अप्रोक्स आपका 6000 तक का रेट है कुछ टावर्स के, तो फ्लैट ही यहाँ पे चल रहे हैं 6000, तो प्लॉट फिर भी एक ठीक रेट में है। अब ये प्लॉट्स किन के लिए है, प्लॉट उनके लिए है जो एंड यूज़र हैं, जिन्हें शिफ्ट होना है, रहना है तुरंत बनाकर, पोजीशन यहाँ पे नेक्स्ट ईयर अप्रैल जून तक देखने को मिल जाएगा, अप्रैल के आसपास। तो एंड यूज़र के लिए है, एंड यूज़र सेगमेंट के लिए है जो बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप बाहर की तरफ प्लान करिए, लाइक न्यू जेल रोड, गुसाईगंज, सुल्तानपुर रोड, इस तरफ आप देख सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड यूज़र के लिए है सुशांत गोल्ड सिटी, जिन्हें सभी तरह की एमिनिटीज़ अवेल करनी है, लाइक नियरेस्ट के शॉप, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जिन्हें ये चीज़ें चाहिए उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पर लुलू मॉल भी फंक्शन हो चुका है, तो उसके चलते भी काफ़ी यहाँ पर क्राउड है, डिमांड्स इस लोकेशन की। अगर हम बात करें इस एमिनिटीज़ के आसपास में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो सारे स्कूल्स आपको मिल जाते हैं, लाइक जीडी गोयनका, स्वीडन कंसकैप्स, क्लोन, सेंट जोसेफ, सेंट फ्रांसिस, जितने भी स्कूल मिल जाते हैं आपको, बड़े बड़े मॉल्स लाइक लुलू मॉल, फिनिक्स प्लेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, बेस्ट प्राइस है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो आपका मेदांता है, कैंसर हॉस्पिटल है, RML का, RML भी यहाँ पर है दोस्तों, मातरम शिशु हॉस्पिटल नियरेस्ट में ही है, तो कई तरह की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो ये प्लॉट है खासकर एंड यूज़र्स के लिए, प्राइस है दोस्तों 5555 रुपये भी प्रेजेंट टाइम का प्राइस है, जैसे ही 15 से 20 प्लॉट के पैचेस हैं बिकेंगे, बिल्डर प्राइस को रिवाइज करेंगे यहाँ पे दोस्तों, शायद नवरात्रि तक रेट और रिवाइज हो जाए, लाइक 6000, 6100 कैसा भी रेट जा सकते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम पे 5555 का रेट है, तब कुछ और प्राइस होगा, बढ़ा हुआ प्राइस होगा। तो आप जिस टाइम पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉल करके प्राइस को कन्फर्म कर लें कि प्रेजेंट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। 6.5 एकड़ टोटल लैंड एरिया है दोस्तों ये टाउनशिप का, 6.5 एकड़ के, जिसमें 114 प्लॉट्स हैं, 1211 से लेकर 2000 के आसपास के प्लॉट्स हैं। मैं एक बार ज़्यादा ज़्यादा आपको चीज़ें ब्रीफ कर दूँ, प्लॉट्स हैं, प्राइस है 5555, ये हायर सेगमेंट का प्राइस है, जो एंड यूज़र्स हैं उनके लिए बेस्ट है, जो आके यहाँ रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, स्टेलो का